जय हिंद दोस्तों। आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन AWPO में कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं, एक्स सर्विसमैन कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं, सर्विस पर्सनल कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं और उनके डिपेंडेंट यानी कि वार्ड कैसे रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जॉब कैसे मिलती है AWPO से, पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो AWPO में रजिस्ट्रेशन के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फीस की डिटेल भी बताएंगे, फीस कैसे जमा की जाती है इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। ये ध्यान रखना कि AWPO की रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। अगर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया और फीस नहीं जमा की है तो आप ये समझ लें कि आपने रजिस्ट्रेशन आपका वैलिड नहीं है, मान्य नहीं है, इसलिए रजिस्ट्रेशन की फीस भी जमा करना कंपलसरी है। कैसे जमा करनी, कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, वार्ड विडो और एक्स सर्विसमैन कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली। शुरू करें उससे पहले बता दें हमारे चैनल में रोजगार से संबंधित वीडियो मिलते रहते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे भी ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियो मिलने वाले हैं। सबसे पहले AWPO की वेबसाइट में जाएंगे, उसमें आप देखेंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो डिटेल कैंडिडेट डिटेल लिखा होगा। जब कैंडिडेट डिटेल को जूम करेंगे इसमें देख लेना, वेटनर्स एक्स आर्मी पर्सन इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, विडो वार्ड विडो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, डिपेंडेंट करा सकते हैं सर्विस और रिटायर्ड पर्सन के। तो ध्यान रखें रिटायर्ड और सर्विस पर्सन के डिपेंडेंट भी करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे रजिस्ट्रेशन के जो कराते हैं, मतलब एक्स सर्विसमैन आप किसी के भी हो, आप उसमें अपने कैटेगरी में जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्स सर्विसमैन का दिखा देता हूं कैसे रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ये जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज खुल के आ जाएगा जिस पेज में रजिस्ट्रेशन की पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, कैसे रजिस्ट्रेशन कराना, कितनी फीस लगेगी। थ्री स्टेप में रजिस्ट्रेशन होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। तो मेन हम इसके पॉइंट देख लेते हैं, जो रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी वो रजिस्ट्रेशन फीस आपकी लगेगी, अफसर हैं तो ₹750, JCO हैं तो ₹500 और OR हैं तो ₹300 रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस कैसे देना है वो मैं आगे बता देता हूं आपको। अगर आप OR हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, OR में क्लिक करना है। जैसे ही आप इसमें OR में क्लिक करेंगे, इस वाले ओआर में नीचे वाले में करना है, ये तो फीस का दिया हुआ है। इसमें आप कैटेगरी में अपनी कैटेगरी में क्लिक करें, जेसीओ है तो जेसीओ एक सर्विसमैन है उसमें क्लिक करें, ओआर एक सर्विसमैन है तो इसमें ओआर में क्लिक करें। तो ओआर में क्लिक करेंगे वैसे ही आपके पास एक पेज खुल के आ जाएगा, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। इसमें पूरी डिटेल दी हुई है, AWP रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको ऑफलाइन भी दो पेज का फॉर्म रहेगा, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप इसको डाउनलोड करके ऑनलाइन फॉर्म भरना ही है, लेकिन इसको भी फॉर्म भरना है और फॉर्म भेजना है। मैं ये इसको बाद में दिखाता हूँ, पहले एक चीज और देख लेते हैं। साथ में आपको फोटो कॉपी ऑफ PPO की भेजना है, रिटायरमेंट ऑर्डर अगर आप रिटायर होने वाले हैं तो रिटायरमेंट ऑर्डर भेजना है, PPO कॉपी भेजना है, डिस्चार्ज बुक भेजना है, जो रिटायरमेंट ऑर्डर रिटायरमेंट वाले तो रिटायरमेंट ऑर्डर, नहीं तो डिस्चार्ज बुक की कॉपी भेजना है, दोनों अटेस्टेड कराना है। अपने OC से करा सकते हो अगर आप सर्विस कर रहे हैं रिटायर होने वाले हैं, या आप रिटायर हो चुके हैं तो डिस्चार्ज बुक की जो अटेस्टेड कॉपी करानी है आपको जिला सैनिक बोर्ड से। इसके बाद ₹300 फीस पेड करनी है, कहाँ पे पेड करनी है, आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली के ए डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से पेड करनी है। ध्यान रखें इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट रहेंगे साइन किसके होंगे, OC के होंगे, जो सर्विस कर रहे हैं उनके, वो पर्सन अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनके OC के होंगे, या जिला सैनिक बोर्ड के किसी भी ऑफिसर से करा सकते हैं, OC हो या कोई भी हो उनसे करा सकते हैं। तो ये बात रही अभी इसका, इसमें फॉर्म देख लेते हैं फॉर्म कौन सा रहेगा। तो फॉर्म के लिए मैंने ये डाउनलोड कर लिया है फॉर्म, इस फॉर्म को भी आपको ऑफलाइन भरना है, ऑनलाइन तो भरेंगे वो कैसे आगे बताते हैं। ये फॉर्म का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये आपको भरना है आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसमें फोटो चिपकानी है, सिविल और यूनिफॉर्म ड्रेस में चिपका सकते हैं आप किसी भी ड्रेस में। इसके बाद आपको इसमें कैटेगरी में क्लिक करना है, अफसर JCO OR विडो डिपेंडेंट। तो
तो ध्यान रखें, डिपेंडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। एडब्ल्यूपीओ में बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि एडब्ल्यूपीओ जॉब उसी को देता है जिसका रजिस्ट्रेशन हो और फीस जमा हो। ध्यान रखें, पूरी डिटेल इसमें लिख के भेजनी है। इसमें 3 पेज, 2 पेज का रहेगा, ये दोनों पेज आपको भर के भेज देना है। जिसमें इसमें किसी तरह की कोई आपको दिक्कत आती, कमेंट करना, उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो वो आप डिटेल पूरी भर के भेज देना है। इसमें डिटेल का मैं अलग से, अगर आप कहेंगे तो अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा डिटेल भरते भरते। इसलिए मैं ये दिखा देता हूँ आगे ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। पहले तो 300 का ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट भेजना है आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। इसके बाद आपको ऑल ऑफलाइन फॉर्म भेजना है, और साथ में वो जो डॉक्यूमेंट बताए वो भेजना है। एड्रेस रहेगा आपके आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एडजुटेंट जनरल ब्रांच, सीवी डायरेक्टरेट जनरल, इंडियन आर्मी वेटरन्स। ये पूरा एड्रेस आपको डालना है। इसके बाद आप ऑफलाइन भेज देंगे, ऑनलाइन भरेंगे। ऑनलाइन भी फॉर्म भरना पड़ता है, बिना ऑनलाइन के आपका फॉर्म स्वीकार नहीं है। तो आप क्रिएट यूजर आईडी में क्लिक करेंगे तो आपका ऑनलाइन फॉर्म इसी में भरा जाएगा। अब इसमें मैंने क्लिक किया तो ये नया पेज खुल के आ गया। इसमें आपको क्या करना है, अपनी एक यूजर आईडी कोई आप बना सकते हैं, जो भी आप चाहें। मैंने बनाई हुई है तो आप भी बना सकते हैं। तो इसमें आप दोनों में यूजर आईडी और पासवर्ड ऐसा बनाए जो इसमें हो ना, तो वो आपको शो कर देगा। जो भी आप इसमें बनाएंगे, कुछ अपना नाम डाल लो, कुछ भी डाल लो, तो उसमें होना नहीं चाहिए। चेक अवेलेबिलिटी में भी क्लिक कर सकते हो, देख सकते हो क्या चाहिए। इसके बाद पासवर्ड इंटर करना है और री इंटर पासवर्ड करना है। क्वेश्चन कोई आप डाल लेना है, स्कूल का नाम या किसी का नाम, रिमाइंडर आंसर डाल लेना। फर्स्ट नेम आपको इसमें डालना है, मिडिल नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, नेक्स्ट ईमेल आईडी के बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है, मेल फीमेल किस कैटेगरी के हैं वो डालना है, और इसके बाद आई हैव में क्लिक करना है पूरी डिटेल भरने के बाद। इसके बाद सबमिट कर देंगे, आपका यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा। इसके बाद ऑफलाइन भी मैंने जो डॉक्यूमेंट बताए वो भेजना है। 300 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट, अगर ओआर है तो 300 का, जेसीओ है तो 700 रुपए का, और 1,000 रुपए ऑफिसर के लिए भेजना है डिमांड ड्राफ्ट। एडब्ल्यूपीओ के एड्रेस पे डिमांड ड्राफ्ट भेजना है। इसके बाद जो डिमांड ड्राफ्ट रहेगा, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको एक साथ भेजने हैं ऑफलाइन। जैसे ही आप ऑफलाइन डॉक्यूमेंट चले जाएंगे, फीस उधर पेड हो जाएगी, आपका रजिस्ट्रेशन तभी पूरा माना जाएगा। तो एडब्ल्यूपीओ में रजिस्ट्रेशन का यही प्रोसेस है। डीजीआर का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैंने बनाया हुआ है वीडियो, उसका भी लिंक डिस्कशन में दे देंगे, और इसका भी लिंक मैं डिस्कशन में दे दूंगा, जिससे आपको दिक्कत ना हो। डायरेक्ट आप फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से, और फॉर्म दोनों तरीके से ही भरा जाता है। ध्यान रखें, आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीजीआर में कैसे फॉर्म भरना है, उसका भी मैंने वीडियो बनाया, वो देख लेना जिसने नहीं देखा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियो मिलने वाले हैं। थैंक यू, जय हिंद।